हेलो गाइस, आई एम रूपा एंड यू आर वाचिंग रूपा हॉबीज। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कैसे बोरिंग सी मैगी को इंटरेस्टिंग सी मैगी बनाकर बच्चों के सामने पेश किया जाता है और बच्चे उसे कैसे खाते हैं। ये पैकेट जो है, मैंने ये एक पैकेट मैंने कैसे बोरिंग सी मैगी आज रोज़ खा खा के मेरे बच्चे पक गए हैं, तो उसे कुछ अलग सा मैगी मैंने आज बना के दी है, तो वही मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे सब्जियाँ देख सकते हैं आप। आपको जो भी पसंद है वो सब्जी आप डालिए। मैंने डाला है गाजर, ग्रीन पीस, अनियंस के जो पत्ते होते हैं ग्रीन अनियंस, गोभी यानी कि सॉरी फूल गोभी, कैप्सिकम, बीन्स वगैरह, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा ग्रीन चिली, सब बारीक कट के उसको ऑयल में, थोड़ा सा ऑयल में मैंने फ्राई किया, हल्का सा फ्राई करके उसमें गर्म पानी, जितना मुझे सूप चाहिए गर्म पानी मैंने डाल दी। जब गर्म पानी में उबाल आया तो मैंने उसमें आधा पैकेट, जो मसाले के पैकेट्स होते हैं वह से आधा पैकेट लेके उस गर्म पानी में मैंने डाला। फिर जब उबाल आया अच्छी तरह से तो मैंने थोड़ी देर के ढक के इसे पकाया। जब देखा कि सब्जी जो है वो बिल्कुल पक गया है, तब मैं जो मैगीज के जो केक्स है उसे मैंने चार पार्ट में तोड़ लिए थे, उसी चार टुकड़े को मैंने उस सूप में दे दिए हैं। और जब अच्छी तरह से उबाल आएगा, अब ढकना नहीं बिल्कुल भी, जैसे आप मैगी रोज़ हर रोज़ पकाते हैं वैसे ही पकाना है। आपको जितना सूप चाहिए उतना ही सूप रखना है, मुझे जितनी चाहिए थी मैंने वही रखी है। और थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि आप बहुत सारा पानी डालते हो सूप के लिए, सब्जी है इसे पकने के लिए थोड़ा नमक चाहिए, मसाले में जितनी नमक है उतना काफ़ी नहीं है, तो आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डाल लीजिएगा, मैंने डाला है। तो हो गया मेरा मैगी रेडी और मेरे बच्चे को तो बहुत पसंद आया, मैं क्या बताऊँ, उससे बहुत ही पसंद आया। अगर आपके बच्चे रोज़ रोज़ एक ही मैगी खाकर पक चुके हैं तो आप ऐसे देकर देखिए, उसे बहुत अच्छा लगेगा। एक बात के लिए मैं सॉरी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैंने इस मैगी को तैयार करने की वीडियो मैं नहीं दे सकी, क्योंकि पहले मैं सोचा नहीं था मैंने कि मैं एक वीडियो बनाऊँ, फिर जब खाने के वक्त आया तो मुझे लगा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। तो मेरे मुँह से आप सुन के ही समझ जाओगे कैसे, ये कोई बहुत कठिन रेसिपी तो है नहीं, बहुत ही ईजी टू कुक है ये, आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आप ऐसे ही घर में आपके बच्चे को बना के खिलाइए, मैं दावे से कह सकती हूँ, दावे के साथ, कि उसे बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सुन लीजिए मेरे बेटे के मुंह से कि उसे कैसा लगा, आप खुद ही सुन लीजिए, मैं नहीं बताऊँगी, आपको खुद ही सुनना है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कुछ बताना हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं बाद में पढ़ लूँगी। और इस वीडियो को आपको फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है दोस्तों, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना है। मैं बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं दे सकी, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे मेरे घर में कुछ काम चल रहा है तो मैं वीडियो कर नहीं पा रही हूँ। जब मेरा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा मैं फिर से नई नई वीडियो लेकर आई हूँ। तो सुनिए मेरे बेटे के बाद वो क्या कह रहा है। कैसा लगा? बहुत लाजवाब। बहुत लाजवाब। अच्छा लगा? अच्छा लगा बहुत। रुको, इसे ठंड करके देती हूँ। इसको कैसा है? बहुत अच्छा। Very very light. ठीक है गाइस, आपने तो सुन ही लिया होगा। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।